हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका इंटेलिजेंसी पॉइंट में। मैं हूँ किशोर सिंह और आज का जो टॉपिक लिया है हमने वर्नियर कैलिपर। तो क्या होता है वर्नियर कैलिपर? तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, कहाँ पे यूज आता है और वर्नियर कैलिपर के जो फंक्शन है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर के फंक्शंस कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, और हम जो वर्नियर कैलिपर ही क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, और फंक्शंस ऑफ वर्नियर कैलिपर के जो कितने फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी से अच्छी वीडियो और विस्तारपूर्वक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और हमारी डेली टॉप 50 क्वेश्चन की एक सीरीज चलती है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन फिटर और कॉमन सब्जेक्ट की भी सारी ट्रेड के संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको कराता हूँ डेली टॉप 50 के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर की, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वर्नियर कैलिपर है, क्या है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो अब वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, परिचय की बात की जाए, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है, अब जैसे मान लीजिए जो वर्नियर कैलिपर है, अब जो एक स्केल होता है, स्केल यानी आपका जो एक स्केल होता है फिटा होता है, वो क्या करता है, वो भी एक मेजरिंग का काम करता है, यानी नापने का काम करता है, ठीक है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो बहुत बारीकी की माप होती है, मान लीजिए जो आपका स्केल है, यानी आपका जो स्केल है, क्या है, स्केल, तो स्केल में या तो हम इंचेस में नाप सकते हैं, किसमें नाप सकते हैं, इंच में नाप सकते हैं, या फिर हम किसमें नाप सकते हैं, फुट में, ठीक है, फुट हो गया, या फिर हम सेंटीमीटर। तो ये चीज़ तो हम किससे नाप सकते हैं, आपका क्या होता है, स्केल, ठीक है। स्केल के द्वारा हम ये वाली इकाइयों को मापते हैं। अब इसमें क्या है कि इंच से बड़ा फुट, और इससे सबसे छोटा जो है आपका सेंटीमीटर हो जाता है, सेंटीमीटर में ज़्यादा आपका mm हो जाता है, यानी सेंटीमीटर की एक इकाई क्या कही जाएगी, आपकी mm कही जाएगी, यानी एक सेंटीमीटर के अंदर कितने mm होते हैं, तो एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm होते हैं, ठीक है। तो आप इतनी इससे छोटी माप को माप नहीं सकते, ठीक है, या mm, 1 mm या 10 mm, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इससे मापने के लिए 1 mm या 2 mm की हम माप को मापेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हम मतलब जो आपका स्केल है, इससे जो हम माप मापेंगे वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्यूरेट नहीं माप लेगा, ये क्या करेगा, यानी जो इसकी माप होगी वो एक्यूरेट तरीके से इसकी माप नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में हम जब स्केल से कोई माप नहीं माप सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का यूज करने से पहले हम इसको इंट्रोडक्शन जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे आज के टाइम में औद्योगिक क्षेत्र है, यानी इंडस्ट्रियल वर्क है, इंडस्ट्रियल टाइम है, तो औद्योगिक इकाई के अंतर्गत या औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हमें सबसे ज़्यादा छोटी सी छोटी चीज़ों को मापने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्नियर कैलिपर की। अब ये होता क्या है, ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक है। अब ये सूक्ष्म मापी यंत्र, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका आ जाता है वर्नियर कैलिपर, आ जाता है आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया आपका, हाइट गेज हो गया, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर हम वर्नियर, आज का जो टॉपिक है वो आपका वर्नियर कैलिपर के बारे में। अब वर्नियर कैलिपर की अगर बात की जाए, तो वर्नियर कैलिपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको काफ़ी बड़ा बड़ा हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो इससे पहले हमें वर्नियर कैलिपर को देखने से पहले हमें इसकी जो हमने बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे,
चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर। एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग धातु खंड की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई और गहराई, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर से किसी कार्यखंड, क्या किसी कार्य खंड, अब कार्यखंड या कोई जॉब है आपका मान लीजिए, या आपका वर्क पीस, क्या हो जाता है वर्क पीस। अब इस वर्क पीस की हमें एक तो लंबाई, क्या लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, ठीक है, तो ये एक मान लीजिए लंबाई चौड़ाई हो गई। दूसरा नंबर एक, नंबर दो, अब इसका आंतरिक व्यास, मान लीजिए कोई आपका सिलेंड्रिकल आकार का जॉब है, यानी आपका कैसा है सिलेंड्रिकल आकार का जॉब है, यानी गोल जॉब है या पाइप है, क्या है पाइप। अब इसके आंतरिक व्यास क्या करना है, आंतरिक व्यास को मापना है। जैसे मान लीजिए एक ये आपका एक ये हो गया, ठीक है। अब एक पाइप है, अब हमें क्या करना है इसका अंदर का व्यास मापना है। मान लीजिए इसकी यहां से यहां तक की दूरी मापनी है, तब हम कैसे मापेंगे, अब हम इसके द्वारा हम जो ऊपर वाला जो इसका भाग है यानी इंटरनल जॉब, क्या है इंटरनल जॉब, ठीक है। अब इस इंटरनल जॉब के द्वारा हम क्या करते हैं इसके आंतरिक व्यास का हम मतलब इसके आंतरिक व्यास को हम मापते हैं, तो इसकी आंतरिक व्यास हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आंतरिक व्यास को मापना, ठीक है। अब तीसरी जो माप होती है इसके अंतर्गत, तीसरी माप वो कौन सी आती है, तीसरी माप जो आती है वो मान लीजिए कि कोई हमारी जॉब है, मान लीजिए एक ये जॉब है या कोई कार्यखंड है। अब हमें क्या करना है यहां से लेकर के ये इसकी अंदर की यानी गहराई, क्या करना है गहराई, गहराई का को मापे या माप ज्ञात करता है, क्या करता है गहराई को मापता है। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दूसरा आ जाता है आपका गोल पाइप, उसका आंतरिक व्यास है, गोल पाइप हो चाहे वो कैसा ही हो उसके आंतरिक व्यास को ये मापता है, ठीक है। तीसरा इसकी गहराई को मापता है। तो ये तीन तरीके की माप लेने में सक्षम है, कौन कौन सी माप, सबसे पहले आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दूसरा आपका गोल पाइप उसका आंतरिक व्यास, तीसरा आपकी उसकी गहराई। तो ये तीन तरीके की माप को मापने में सक्षम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लिस्ट काउंट की, किसकी बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी लिस्ट काउंट की, किसकी लिस्ट काउंट की, या लिस्ट काउंट या इसकी अल्प माप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अल्प माप, क्या कहते हैं अल्प माप या लिस्ट काउंट। तो इसकी लिस्ट काउंट की अगर बात की जाए तो लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि लिस्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लिस्ट काउंट होता क्या है या अल्पतम माप होती क्या है, ठीक है। तो अल्पतम माप को हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी लिस्ट काउंट है क्या या अल्पतम माप है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिस्ट काउंट है क्या, यानी लिस्ट काउंट क्या है, यानी कि क्या है, ठीक है, लिस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम यही जानते हैं कि लिस्ट काउंट है क्या। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है, तो सबसे पहले ये सब चलिए अल्पतम माप की बात करते हैं। अल्पतम माप वह माप जो किसी मापी यंत्र, किसी मापी यंत्र के द्वारा ली गई
सबसे छोटी इकाई या माप अल्पतम माप कहलाती है। देखिए अल्पतम माप वह माप जो किसी मापी यंत्र के द्वारा ली गई सबसे छोटी इकाई, क्या सबसे छोटी इकाई या माप वो क्या कहलाती है आपकी, अल्पतम माप या लिस्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट। इससे पहले हमें स्केल की माप, जो स्केल होता है उसकी हमें लिस्ट काउंट बता देते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये आपका एक स्केल है, ठीक है, क्या है स्केल है आपका, ये आपका स्केल हो गया। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, ये हमारे क्या है ये हमारे एक तरफ होते हैं इंच और एक तरफ होते हैं क्या सेंटीमीटर। तो ये आपके इंच हो गए, ऊपर वाला क्या हो गया आपका ये इंच हो गया और नीचे वाला क्या हो गया सेंटीमीटर। अब एक सेंटीमीटर आपका ये मान लीजिए हमने इमेज कर लिया, अब एक सेंटीमीटर के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ और ये दस। तो ये आपके एक सेंटीमीटर हो गया, पर एक सेंटीमीटर के बराबर ब्लॉक कितने होते हैं, दस ब्लॉक होते हैं। तो वन सेंटीमीटर बराबर टेन, यानी इसके डिवीज़न जब किए जाते हैं तो टेन डिवीज़न होते हैं। तो वही आपका एक डिवीज़न क्या कहलाता है, वन सेंटीमीटर कहलाता है, क्या कहलाता है वन सेंटीमीटर, क्या कहलाता है वन mm, यानी एक सेंटीमीटर के दस डिवीज़न जब किए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है वन mm कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसकी जो सबसे छोटी माप क्या होगी, सबसे छोटी माप, अब जो स्केल, अगर स्केल की बात की हम इसके द्वारा mm में हम माप नहीं माप सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है जो आपकी लिस्ट काउंट होती है तो वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये हो गया आपका क्या एक सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका वन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब एक सेंटीमीटर के क्या किए गए डिवीजन किए गए, ठीक है, कितने डिवीजन किए गए बराबर दस। ठीक है, तो प्रति एक एक जो डिवीजन वो क्या कहलाएगा आपका वन एमएम कहलाएगा, क्या कहलाएगा वन एमएम। ठीक है, अब वही आपकी क्या कहा जाएगा एक आपका क्या कहा जाएगा इसकी एक लिस्ट काउंट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, यानी वन एमएम जो होता है आपका वन एमएम ये क्या होता है स्केल का लिस्ट काउंट। ठीक है, तो स्केल की जो आपकी लिस्ट काउंट होगी वो क्या होगी एक एमएम, क्या हो जाएगी एक एमएम। चलिए तो अब समझ गए होंगे आप लोग, यानी एक एमएम होती है आपकी स्केल की जो आपका स्टील रूल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए इंजीनियरिंग स्टील रूल की, किसकी इंजीनियरिंग स्टील रूल की बात की जाए, यहाँ पे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग स्टील रूल की, तो इंजीनियरिंग स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0.5 mm या एक बटे दो mm, एक ही बात है ये। तो ये आपकी इंजीनियरिंग स्टील रूल की आपकी क्या हो जाएगी अल्पतम माप। अब देखिए अल्पतम माप एक बार फिर से देख लीजिए, वह माप जो किसी मापी यंत्र यानी माइक्रोमीटर हो, वर्नियर कैलिपर हो, स्टील रूल हो, या जो भी आपका मेजरिंग टूल्स हो उसके द्वारा हम जो भी माप लेते हैं, तो उसके द्वारा जो भी माप लेते हैं तो सबसे छोटी इकाई या यूनिट या माप वो क्या कहलाती है आपकी अल्पतम माप कहलाती है। जैसे स्टील रूल की आपकी क्या हो गई 0.5 mm या एक बटे दो mm। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अब हम समझेंगे यहाँ पे स्केल की, जो आपकी स्केल है उसकी क्या है इसकी अल्पतम माप। ठीक है, तो इसकी सॉरी जो वर्नियर कैलिपर है इसकी माप क्या है, मतलब
अंतम माप लिस्ट काउंट, कैलिपर की लिस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, चलिए तो जो आपकी वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm, ये होती है आपकी नंबर एक, यानी mm में आपकी अगर पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा 0.02 mm, और अगर बात की जाए इसमें इंच में तो इंच में हो जाती है 0.001 inch, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या है, लिस्ट काउंट है, किसमें, ये आपकी mm में हो जाती है और ये आपकी इंच में हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपकी लिस्ट काउंट या सबसे न्यूनतम जो आपकी इसकी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ये है आपकी, ठीक है, 0.2 mm, 0.02 mm आपकी mm में है और 0.001 inch तो वो किस में है, आपकी इंच में, ठीक है। चलिए अब हम इसकी आगे की चर्चा करते हैं, ये हो गई आपकी लिस्ट काउंट और इसकी बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो मेन पार्ट्स, इसके मेन पार्ट, इससे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, मेन पार्ट पढ़ाने से पहले, उससे उसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसके साइज़ की बात करें, साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करें तो साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो जो साइज के हिसाब से अगर बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर प्राय मार्केट में जो मिलते हैं वो 150 mm, 150 mm नंबर एक, नंबर दो आपका 250 mm, 250 mm, 250 के बाद आपका आ जाता है 900 mm और 1200 mm, 900 mm और 1200 mm तक के लिए आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर, साइज के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के आपके जो वर्नियर कैलिपर होते हैं वो आपको मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्नियर कैलिपर के मेन भाग, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो इसके जो मेन भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं हम, मैन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं वर्नियर कैलिपर, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, और जितने आराम से पढ़ोगे उतने ही आपको अच्छा रहेगा कि भाग, इसमें कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, चलिए तो सबसे पहले आपका पार्ट्स कौन सा हो जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं अपर जॉ क्या हो जाता है, नंबर एक अपर जॉ, यानी ऊपरी जबड़ा, नंबर दो मैन स्केल, मैन स्केल, नंबर तीन आ जाता है आपका वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। आगे आ जाता है आपका लॉक नट, नेक्स्ट आ जाता है आपका आ जाता है वर्नियर स्केल हो गया, आपका इंटरनल जॉ हो गया, चलिए ये हो गया अपर जॉ को इंटरनल जॉ भी कहते हैं, यानी कि इसको इंटरनल जॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। और आउटसाइड जॉ,
आउटसाइड जाम या इसको हम कहते हैं यानी बाहरी माम, क्या कहते हैं बाहरी माम, बाहरी माम या बाहरी जबड़ा, ठीक है। तो ये आउटसाइड जबड़ा हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें दो टाइप के जबड़े होते हैं, एक स्थाई होता है एक अस्थाई होता है, एक फिक्स होता है एक मूवेबल होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर लिख सकते हैं फिक्स या ऑब्लिक मूवेबल या यानी स्थाई जबड़ा या मूवेबल अपर जा या इंटरनल जा, यानी कि अपर जो ये ऊपर वाला जा होता है ये इंटरनल जा, यानी कि इसको अपर जा भी कहते हैं, अपर जा या इंटरनल जा। अब इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है ये यानी कि किसी भी जॉब के आंतरिक व्यास मापता है, यानी कि आंतरिक क्या करता है, आंतरिक माप को मापता है, क्या करता है आंतरिक माप को मापता है, ठीक है। यानी कि अब इसमें ये वाला जो होता है ये आपका मूव करता है, ये वाला आपका मूव करता है, जबकि ये वाला जो क्या होता है ये होता है फिक्स्ड होता है, कैसा होता है फिक्स होता है, यानी ये वाला फिक्स रहता है और ये वाला आपका मूव करता है। तो ये हो गया आपका इंटरनल जा या अपर जा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीचे वाले जा की, इसकी नीचे वाले जा की, तो ये वाला जो आपका जॉब होता है ये आपका आउटसाइड जॉब होते हैं। इन दोनों को अगर बात की जाए, इन दोनों की अगर बात की जाए क्या किया जाए इन दोनों की, तो ये आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड जा होता है, ठीक है आउटसाइड। अब इसमें भी ये वाला आपका फिक्स जा होता है और ये वाला आपका मूवेबल जा होता है, ठीक है। यानी कि ये जब हम किसी भी जॉब की माप को मापते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये मार्कर की माप को हम मापना चाह रहे हैं, तो ये आप आगे पीछे करेंगे इसको, ठीक है। और ये जो होता है आपका यानी ये थंब स्लाइड होता है, क्या होता है थंब स्लाइड, थंब्स स्लाइड, ठीक है थंब स्लाइड, यानी कि इससे हम फाइन एडजस्टिंग करते हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाता है स्क्रू लॉक, क्या हो जाता है लॉक स्क्रू या स्क्रू लॉक, ठीक है। जब हमने माप को मापा और माप को मापने के बाद हम स्क्रू क्या कर देते हैं, इसको कस देते हैं ताकि हमारी जो माप है वो फिक्स बनी रहे और इधर उधर ना हो। चलिए अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी इसके मेन भाग, अब मेन भाग की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका ये वाला जो आपका पूरा बीम दिखाई दे रहा है, तो ये टोटल आपका क्या है, इसको मेन स्केल क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको मेन स्केल। अब मेन स्केल जो होता है इसमें क्या होते हैं, ये इंचिस में निशान बने हुए होते हैं, किसमें ऊपर वाले जो होते हैं वो इंचिस में निशान बने हुए होते हैं, इंच में, किसमें होते हैं इंच में, और इसका एक इंच में बराबर कितने 10 भाग होते हैं, कितने 10 भाग, 10 भाग किए जाते हैं इसके, ठीक है। अब नीचे वाला जो होता है आपका, ये जो होता है आपका ये वाला जो होता है क्या होता है वर्नियर स्केल, क्या होता है वर्नियर स्केल, मेन स्केल वर्नियर स्केल। अब आपका ये बचा हुआ भाग है वो आपका क्या कहलाता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, यानी ये गहराई को मापने का काम करता है, यानी गहराई, गहराई की माप ज्ञात करता है, ठीक है। तो ये जो है इसके मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर के जो मुख्य भाग होते हैं, जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो आपके, चलिए सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। एक ये हो गया आपका, यानी ये हो गया इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, यानी ये बाहरी माप को मापता है, ये वाला फिक्स, ये मूव करता है जो, ये वाला फिक्स रहता है, ये अपर जा होता है या इंटरनल जा कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाला एरिया आपका वर्नियर स्केल कहलाता है, ये जो पूरा होता है बीम इसको मेन स्केल कहते हैं, और ये जो होता है आपका डेप्थ की डेप्थ मेजरिंग स्केल या ब्लेड कहा जाता है इसको, ये आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, ये फाइन एडजस्टिंग यहाँ पे होता है, और ये लॉक नट या स्क्रू होता है। तो इसके ये मेन पार्ट हो गए। कई बार ये यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे
ये आपका यहाँ पे इसका नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम नहीं है, और मैंने क्वेश्चन सीरीज में भी कराए हैं। तो यहाँ पे ये x बना दिया, तो x पार्ट का नाम बताइए, x पार्ट का नाम बताइए, ठीक है, तो आपको इसका नाम बताना है। तो क्या था ये, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, क्या था, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, यानी कि गहराई का मापने का, या ये गहराई मापने का ब्लेड होता है, ठीक है। तो ये थे आपके मेन फंक्शन ऑफ पार्ट जो है वर्नियर कैलिपर के, लिस्ट काउंट आपकी 0.02 mm, और ये थी आपकी इंच में 0.011 mm, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात करते हैं, यानी लिस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम करेंगे जब हम वर्नियर कैलिपर से माप को कैसे मापते हैं, यानी मापने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से इसकी हम माप को ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी लिस्ट काउंट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, और देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, और लाइक भी किया करो, जो लोग आपके साथ ही जो भी आईटीआई कर रहे हैं उन सभी को आप लोग शेयर किया करो, ताकि उनकी भी एग्जाम से संबंधित हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे माप की, अगर बात की जाए, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे जब तक इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी इसमें मार्कर में, चलिए तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चलिए लिस्ट काउंट, यानी लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट बराबर, यानी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वन मैन स्केल, यानी वन मैन स्केल, वन मैन स्केल बटे वन मैन स्केल, यानी एम एस, यानी मैन एम एस, इसको मैन स्केल, ये डिवीजन, वर्नियर वर्नियर स्केल, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है लिस्ट काउंट निकालने का, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पे देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप ज्ञात करना, क्या करना है, अल्पतम माप को ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे, जैसे कि अभी आपको फॉर्मूला बताया था लिस्ट काउंट बराबर, जो भी आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो चलिए उसी फॉर्मूला के आधार पर हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए किसी भी वर्नियर कैलिपर के अंतर्गत क्या है, किसी भी वर्नियर कैलिपर के अंतर्गत क्या होता है, मुख्य पैमाने के 9 भाग बराबर वर्नियर पैमाने के 10 भाग के बराबर होते हैं। मान लीजिए ये आपका एक क्या है, ये मैन स्केल है, ठीक है, और ये आपका ये हो गया आपका मैन स्केल, और ये हो गया आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैन स्केल के 9 भाग, कितने 9 भाग, मान लीजिए 8 9, ये ले लीजिए, ठीक है। अब जितनी दूरी में मैन स्केल में कितने भाग होते हैं 9, उतनी ही दूरी में वर्नियर स्केल के कितने भाग होते हैं 10 होते हैं, कितने होते हैं 10 होते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 10 हो गए।
तो कहने का मतलब यही है कि मैन मुख्य स्केल जो होता है मैन पैमाना, यानी मैन पैमाना आपका ये है, तो इसके कितने 10 भाग बराबर किसके हैं, वर्नियर कैलिपर के 10 भाग के बराबर, यानी मैन स्केल के 9 भाग, मैन स्केल के यहाँ पे मैन स्केल के 9 भाग के बराबर किसके, वर्नियर के 10 भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब पैमाने का भाग, पैमाने का एक भाग, जो एक भाग होता है उसको 1 MS डिवीजन यानी कि मैन स्केल डिवीजन बराबर कितने के होता है, 1 mm के, कितने के होता है, 1 mm के। फिर से देखिए, पैमाने का एक भाग क्या होता है, एक भाग या 1 MSD यानी 1 मैन स्केल डिवीजन वो किसके होता है, 1 mm के बराबर होता है। ठीक है, अब वर्नियर, वर्नियर पैमाने का एक भाग बराबर होता है वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9/10, यानी कि यहाँ पे ये 9 के, इसको 9 बराबर 10, 9 के बटे 10 कर दिया, तो यहाँ पे अल्पतम माप आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन आपकी क्या आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/10, यानी आपका इनमें दोनों में कितना अंतर है भाई, ये है 9, ये है 10, तो दोनों में कितना अंतर है, 1, तो 1/10 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 mm आपकी लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगी। अब वो किस में आएगी, mm में, कब आएगी, अब ये कहोगे कि गुरुजी अभी आपने तो ये बताया था कि 0.02 mm होती है क्या लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की, लेकिन हाँ 0.0 होती है, लेकिन यदि आपके कैलिपर में कितना मुख्य पैमाने पर कितने हो, 9 भाग हो, यानी जो मेन स्केल है उस पे 9 भाग हो, और वर्नियर स्केल पे कितने भाग हो, 10, तब आपकी लिस्ट काउंट क्या होगी, तब आपकी लिस्ट काउंट होगी 0.01 mm। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी। चलिए अब आप बात करेंगे इस वाली लिस्ट काउंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी लिस्ट काउंट की हम बात करते हैं, वो किस, तो अब आप देख सकते हैं, अब हमने जो है अभी आपको बताया था 0.02 mm, तो उस आधार पे हम देखते हैं किस तरीके से इसकी लिस्ट काउंट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मुख्य स्केल यानी जिस मुख्य स्केल का एक हिस्सा या डिवीजन 1 mm क्या है, 1 mm का हो, तो उसमें 49 मुख्य स्केल के समान, यानी जो 49 जो है मैन स्केल में होंगे, ठीक है, समान किसके, 50 वर्नियर, यानी 50 वर्नियर स्केल के भाग के बराबर हो, तो यानी मान लीजिए ये है आपका क्या, मैन स्केल, ठीक है, इसके कितने हैं 49 भाग, और दूसरा है आपका, ये है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन, अब इसके कितने हैं 50 भाग। ठीक है, तो वही चीज दी हुई है यहाँ पे, मुख्य स्केल के सब, यानी इसमें कहा है कि डिवीजन 1 mm हो तो उसके, उसमें 49 मुख्य स्केल के समान 50 वर्नियर स्केल के भाग के बराबर हो, तो उसका अल्पतम मान, या 49 mm मुख्य स्केल के भाग बराबर, यानी 49 मुख्य स्केल के भाग क्या हो जाएगा, 49 mm क्या हो जाएगा, यानी 49 जो है किसके, मेन स्केल के भाग है, तो वो कितने हो जाएंगे, 49 mm हो जाएंगे। अब 49 mm मुख्य स्केल के भाग बराबर किसके होता है, वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर, जो चीज हमने अभी आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक वर्नियर स्केल बराबर 49/50, यानी जो 49 है 49/50 कर देंगे, यानी जो मैन स्केल बराबर 49, ये MS डिवीजन, और बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका BS डिवीजन, यानी ये हो जाएगा आपका, ये मैन स्केल हो जाएगा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपका एक वर्नियर स्केल माइनस 49/50 बराबर को हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 50 माइनस 49/50, अब 50 से 49 गए तो क्या बचा, एक बचा, और एक बचा, अब ये 50 बटे में आ जाएगा, अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.02 mm, ये आपकी लिस्ट काउंट आ गई। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आया तो एक तरीका और हम बताते हैं, वो तरीका ये है आपका 49/50, क्या 49/50
तो हम करेंगे कितना आ जाएगा, इसका हम करेंगे तो आ जाएगा 0.98, क्या आ जाएगा 0.98 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 49/50 यानी क्या है, ये इन दोनों में अंतर है। अब इन दोनों में अंतर कितना है, मान लो ये आपके 49 क्या है, MSD रीजन है, MSD, ठीक है, और ये 50 क्या है, ये है आपका BSD, ठीक है। तो 49/50 कर दिया, अब क्या हुआ, इन दोनों का अंतर कितना निकला, ये निकला 0.98 निकला। अब यहाँ पे आपका किसके, अब एक वर्नियर स्केल है तो अब क्या करना है आपको, 1 घटाएंगे किससे, 98 से, तो 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस 0.98 करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0.02 mm, ठीक है। कोई सा भी आपको किसी भी तरीके से आपको जैसा आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेन स्केल कितने 50 और वर्नियर स्केल के कितने, जो 49 भाग वर्नियर स्केल है उसके 50 भाग, अब दोनों में जब अंतर निकालेंगे तो आपका 98 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने इसको कैलकुलेशन करा करके आप देख सकते हैं, तो 0.98 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 mm से हम इसको घटा देंगे, जो 1 mm है ये 1 mm से इसको 0.98 को घटा देंगे तो आपका 0.02 mm, तो ये आपकी लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगी। ये होती है आपकी वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अब इसकी माप को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, माप को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं, ज्ञात करना इसकी वर्नियर कैलिपर की माप को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, तो चलिए हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है इसका, यानी मेन स्केल यानी MS डिवीजन, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपका वर्नियर, क्या आ जाएगा E, यानी ये हो गया मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन ब्रैकेट, ये यहाँ पे कह सकते हैं गुणे लिस्ट काउंट, क्या लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये है आपका ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी लिस्ट काउंट को ज्ञात करते हैं, सॉरी यानी मेन स्केल डिवीजन प्लस ब्रैकेट वर्नियर स्केल डिवीजन गुणे लिस्ट काउंट। अब देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले तो हम इसको ज्ञात करते हैं, ये आपका मेन स्केल हो गया, ये ऊपर वाला आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका वर्नियर स्केल हो गया, ये MSD हो गया, ये आपका VSD हो गया, ठीक है। अब वर्नियर स्केल में देखिए, वर्नियर स्केल आपका जीरो कहाँ पे है, जीरो, तो नीचे स्केल देखें, वर्नियर स्केल में जीरो आपका ये है, ठीक है। तो जीरो, जब ये जीरो पे होगा, कहने का मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो माप ये बिल्कुल मिली होगी, यानी इनमें कोई गैप नहीं होगा, दोनों यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल दोनों आपस में, दोनों जो आपस में मिले होंगे तब कोई गैप नहीं होगा और दोनों की दूरी जीरो के जीरो के सामने आ जाएगी, क्या हो जाएगा, जीरो जीरो के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जॉब पीस है, वर्क पीस है, और इसको हमें क्या करना है, इसकी माप को ज्ञात करना है, ठीक है। अब माप ज्ञात करनी है तो मान लीजिए जब खुलेगा ये, कोई जब हम वर्क पीस लगाएंगे तो ये खुलेगा, यानी इधर को जाएगा, और जब खुलेगा तो ये क्या होगा, इधर को बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो जीरो है कहाँ तक है, यानी यहाँ से लेकर के आपके 10 कितने हो गए, 10, और जीरो आपका आ रहा है 10 के बाद, यानी 10 और 11, क्या 10 और 11 के बीच में आपका जीरो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमें क्या लेना है, कम वाली डिजिट लेनी है, क्या लेनी है, कम वाली डिजिट लेनी है। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ले लिया 10, ठीक है, अब हमने 10 ले लिया, 10 लेने के बाद अब फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है, भैया प्लस लगा दो, प्लस 10, प्लस लगाने के बाद अब आपकी BS डिवीजन यानी वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या है, अब वो लाइन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वो लाइन आपको ढूंढनी है जो आपकी, जैसे आपका ये है आपका क्या, ये है आपका मेन स्केल, ये यहाँ तक कर दिया, मान लीजिए मेन स्केल है,
और नीचे है आपका वर्नियर स्केल। क्या है? नीचे वर्नियर स्केल है। अब वो लाइन आपको सर्च करनी है, कौन सी लाइन सर्च करनी है जो दोनों में आमने सामने आती हो। अब वो लाइन सर्च करनी है वो आपकी दोनों में आमने सामने टच करती हो। अब ये देखें तो ऐसी कोई सी लाइन नहीं जो आपकी दोनों में आमने सामने मेल खाती हो। अब ये वाली जो लाइन है आपकी, कौन सी? ये वाली जो लाइन है वो आपकी इधर भी और उधर भी बिल्कुल आमने सामने मैच खा रही है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे वर्नियर स्केल है, इसमें ऐसी कौन सी लाइन है जो दोनों में मैच करती हो। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसी कोई सी भी नहीं है जो पूरी तरीके से मैच कर रही हो। यहाँ 5 नंबर, ये वाली 5 नंबर की जो लाइन है वो आपकी क्या है, दोनों में क्या कर रही है, मैच कर रही है। यानी मेन स्केल डिवीजन में प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन में दोनों में 5 नंबर की जो लाइन है वो क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो हम वही डिजिट ले लेते हैं, यानी आपका क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये अपने 5 ये वाला ले लिया, यानी वर्नियर स्केल का 5। मेन आपका यानी 10 और 11 के बीच का है, तो हमें क्या करना है, कम वाली डिजिट। कम वाली डिजिट कौन सी आपकी, 10 नंबर की। तो 10 हमने कर लिया, प्लस आपका यहाँ से आ गया। अब क्या कह रहे हैं, वर्नियर स्केल की लिस्ट जो आपकी माप आ रही है, अब वो हमने सर्च की जो दोनों में मैच कर रही हो। अब वो दोनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 5 नंबर का मैच कर रहा है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें गुणा करना है। अब लिस्ट काउंट कितनी होती है आपकी, लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.02। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैलकुलेशन करिए, कैसे होगा इसका कैलकुलेशन, चलिए अब हम क्या करेंगे, 5 × 10 क्या कर, 0.10 mm ये आपकी इसकी माप आ जाएगी। एक बार इसकी कैलकुलेशन सही करके देख लेना आप लोग, ठीक है, कहीं शायद मिस्टेक हो गई हो हमसे। तो मेरे ख्याल से एक बार देखिए, 10 प्लस आ गया। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.10 ही आएगा। ठीक है, देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10.0.10 आपका एग्जाम्पल क्या है। इसी तरीके से अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे कितना चला, ये आपका यानी जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना है, 0 के बाद 1, 2, 3 कितना चला, 3 चला, कितना चला, 3। तो 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे कौन सी वाली हमारी मैच कर रही है, प्लस करेंगे यहाँ पे 5 × 0.02 5 × 10 यानी यहाँ पे 10 ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 × 10 अब 3 + 10 आपका ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और 3.10 mm आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम माप को ज्ञात करते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम माइक्रोमीटर के साथ। माइक्रोमीटर या जो भी कोई आपका स्केल आ रहा था, स्केल के बारे में भी हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।